एक बार फिर से मानसून करा सकता है झमाझम बारिश। बिहार में फिलहाल मौसम ने एक बार फिर से पलटी मार ली है। बारिश थमने के बाद बुधवार की दोपहर से लोगों को सूरज की तपिश का एहसास होने लगा। कई घरों में एक बार फिर से एसी कूलर की जरूरत पड़ गई, लेकिन जल्द ही मौसम फिर बदलने वाला है। जी हाँ, बताते चले आपको, बिहार में मानसून की बारिश थमते ही एक बार फिर पटना समेत कई जिलों में पारा चढ़ गया। तापमान 30 डिग्री के पार चला गया। पटना में तो बुधवार की रात एसी और कूलर को फिर से चालू करना पड़ा। अगर बात बाकी जिलों की करें तो वहां भी लगभग यही हाल है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 1 अक्टूबर तक राज्य में कुछ ऐसे ही मौसम देखने को मिल सकता है। हालांकि छुटपुट बारिश भी हो सकती है, वही अभी लोगों को सूरज की तपिश का हल्का सामना करना पड़ेगा। पटना में बुधवार की दोपहर हल्की और छुटपुट बारिश हुई है। बिहार में मौसम विभाग के मुताबिक 2 अक्टूबर से एक बार फिर से मानसून के सक्रिय होने के संकेत हैं। अनुमान है कि 2 अक्टूबर से बिहार में बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है। आज के मौसम की बात करें तो पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने ताज़ा अपडेट जारी किया है। इस पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर बिहार के जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज में बारिश होने की उम्मीद है। आपको बताते चलें, लगातार मौसम विभाग एक बार फिर से चेतावनी जारी करता है कि फिर से बारिश झमाझम होने की उम्मीद है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने दक्षिण बिहार में हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। पूर्वानुमान है कि पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, भोजपुर, भागलपुर, बांका आदि जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।